वालेकुम, नमस्ते और सर श्री अकाल। तो यार हमारे चैनल में जितनी भी वीडियोस देखोगे ना उसके हर कमेंट में आपको ये मिलेगा कि गद्दार मूवी में रिएक्ट करो, गद्दार मूवी में रिएक्ट करो। तो भाई आज जाके भाई हम रिएक्ट करने वाले हैं, हम भी देखने वाले हैं कि इस मूवी में ऐसा है क्या। हाँ। और आप लोग क्यों इतना क्यूरियस हो हमारा रिएक्शन देखने के लिए गद्दार मूवी के। तो ट्रेलर लेके आए भाई गद्दार मूवी का। तो रिएक्ट करने वाले गद्दार एक प्रेम कथा, ये एक मूवी ट्रेलर है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इसकी, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हमारे वीडियो का रिव्यू एंड में देते हैं। तुम्हें इस्लाम कबूल है? कबूल है तो ठीक है, कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। रो या चीखो, रहना अब तुम्हें पाकिस्तान में ही है। बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए। मैं नफरत भुला चुका हूँ, आप भी भुला दीजिए। नफरत भुला दूं? अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। कमीने, मार डालूंगा तुझे। तो ये मूवी दोबारा से रिलीज कर रहे हैं शायद 9 जून पे, और दोबारा से सिनेमाज में आने वाली है। हम लोग भाई सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ये क्या था यार, इसमें भाई बहुत ही ज्यादा ओवर हो रहा है, बहुत ज्यादा। कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो ऐसे बोले कि यार हिंदुस्तान को बोलो मुर्दाबाद। वो कुछ होंगे, वो कुछ दिमाग से सटके हुए लोग होंगे, वो ऐसा बोलेंगे। वरना हर किसी को पता है कि भाई अगले को अपना मुल्क कितना प्यारा होता है, तो हम जो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई हमें पता है कि आपकी फीलिंग्स जो है ना कितनी गहरी है अपनी मुल्क के साथ। हर इंसान के अपने मुल्क के साथ फीलिंग बहुत गहरी होती है। और मुझे एक चीज जब उसने बोला तो मैं इस्लाम कबूल है, हाँ, तो उस वक्त मैं बोलूंगा कि यार इस्लाम में ये नहीं होता कि भाई आप कौन से देश से हैं, आप कौन से, आपका क्या रंग है, आपका क्या एथनिसिटी क्या है, आप कहाँ से हो, ये नहीं। आप बस आप जब इस्लाम कबूल करते हो तो आप एक मुस्लिम बन जाते हो। हाँ। और हर मुसलमान भाई भाई होता है, तो ये भेदभाव नहीं होता इस्लाम में। और अगर यार जिस तरह उन्होंने बोला कि आपको इस्लाम कबूल है, तो उन्होंने बोला मुझे कबूल है, तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद ये नहीं कहा जाता कि भाई जिस कंट्री से आए हो उस कंट्री को मुर्दाबाद बोलो, ऐसा नहीं होता। मूवी है यार, मूवी को मूवी की तरह ही लो, सही है। ऐसे तो फिर सानिया मिर्जा किसी ने बोला ऐसे के बोलो। हाँ, देखो ना। यार ये कुछ भी दिखाते हैं नफरत फैलाने के लिए, कुछ भी बना रहे आजकल, बड़ा यार मुझे गुस्सा आता है यार बॉलीवुड वालों के। हाँ। तभी तो हम इनकी मूवीज वगैरह नहीं देख रहे भाई, इतनी नफरत फैला रहे ना। पूरी कोशिश कर रहे हैं बॉलीवुड वाले, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से नफरत करे और इंडिया पाकिस्तान से नफरत करे। सही बात। बाकी वो वाला सीन के बारिशों में तुम लोग बस तरपाल नहीं बात करते। हाँ। उस पे तो यार मेरे को सही हंसी आई। हाँ। बाकी वो जो आखिर में नलका उखाड़ा, क्या कमाल का सीन था। हाँ यार, तो भाई मचा दी, मेरे से वो आवाज नहीं निकल रही।
यार ये नलके वाला सीन जो है ना बड़ा ही फेमस है यार। हाँ सही बात है, बाकी एक्शन भी कमाल के थे और अमीषा पटेल भी यार बहुत प्यारी लग रही थी। तो गाइस हमें तो ट्रेलर बड़े मजे का लगा। बहुत मजे का था। उम्मीद करते हैं आपका हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यहाँ पे आपको वीडियो शो रही होगी जरूर देखिएगा। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज।